हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है ठाकुर फैमिली ब्लॉग में आप सभी का, है ना। शाम हो रही है यहाँ पे और हो रही है डिनर की तैयारी। तो आजकल डिनर जो है हमारा शाम को क्यों बनता है, पहले तो हम लेट नाइट बनाते थे। लेट नाइट से मीन्स की 9:30 बजे हम बनाते थे, पर अब हम जल्दी बनाने लगे हैं खाना, बिकॉज की मम्मी जो है, मतलब हमारी जो सासू माँ है, वो अब टहलने जाती है शाम को पार्क में। तो जब वो आती हैं तो उनको बहुत तेज भूख लगी हुई होती है। 9 बजे उनको परफेक्ट टाइम पे, एकदम उनको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह का, मतलब कोई खाने रह ही नहीं सकती वो। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो निकलती हैं 6:30 बजे, हम किचन में आ जाते हैं। शाम का चाय पानी का किचन का निपटाया और सब्जियां काट ली। तो आज मैं बनाने जो जा रही हूँ वो मैं बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ ब्रोकलीज। मैं बना रही हूँ ये ब्रोकलीज, हेल्दी ब्रोकलीज सबके लिए, क्योंकि हेल्थ का इशू बहुत ज्यादा होने लगा है। केशु कार्तिक के पापा जो है वो ये लेके आए हैं कि भाई जब गोभियां ही खानी है जाते सीजन में भी तो ये वाली खाओ। तो मैं बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को अच्छी लगे। मैंने सोचा क्यों ना साथ में बनाई जाए सब्जी। मैं ये कम से कम 1-1.5 किलो तो होंगी, क्योंकि आपको तो पता है हमारी फैमिली बड़ी है और सब बड़ी बड़ी कटोरियों में ही सब्जी खाते हैं, बाटी में। अपन सबके मिथिला में बाटी चौले छे, कटोरी नहीं चौले छे। तो इस वजह से मैंने ये 1.5 किलो से भी थोड़ी ऊपर जो है वो ब्रोकलीज ली हैं और इन्हें कट करके अच्छे से मैंने इन्हें वॉश कर लिया है ना। यहाँ पे ले लिए हैं 3-4 आलू और छिलके नहीं हटाए, क्योंकि हमारे घर में सबको ये पतले छिलके वाले आलू ऐसे ही पसंद आते हैं। आप मेरे को बार बार नहीं भी शो करोगे तो लल्ला चलेगा। कार्तिक कैमरा होल्ड कर रहे हैं मेरे। तो मैं बना रही हूँ नए तरीके से, बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि जहां तक मेरे को पता है लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं। अरे वाह, ये इसके साथ ऐड हो के आ गया है ना। लेकिन मैं बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि कल नवरात्रे स्टार्ट हैं, तो हमने ये कोशिश की है कि आज भी हम ना खाएं। तो इस वजह से तो यहाँ क्या क्या तैयारी की है मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ खड़े मसाले का पेस्ट। तो ये है धनिया, साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और ये 4 से 5 साबुत लाल मिर्च। इन सबको मैं इस मिक्सी में डालूंगी, ग्राइंडर में, और इन सबको ग्राइंड कर लूंगी। साथ में डाल दूंगी 2-3 लाल टमाटर, ताकि ये जो पेस्ट है वो थोड़ा अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, इसमें हम लहसुन ऐड करते हैं और आलू जब अपन फ्राई करूंगी तो प्याज ऐड करते हैं, पर आलू और क्योंकि मैं प्याज और लहसुन तो डाल नहीं रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि देखिए टमाटर आया हमारे यहाँ कल गाइस, ये टमाटर मैंने वॉश कर ली है, वॉश क्योंकि सब कुछ वॉश करना बहुत जरूरी है, इशू है हमारी हेल्थ। यहाँ तेल मैंने चढ़ा दिया है, जो सर्विंग स्पून होते हैं ना उससे 2 स्पून भर भर के मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि मुझे ये सारी ब्रोकली फ्राई करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम इसे फ्राई करेंगे। तेल मेरा बहुत गर्म हो चुका है तो मैं डाल देती हूँ आप सभी के साथ। इन्हें जो है बहुत अच्छे से मुझे फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई होंगे तब तक मैं यहाँ पे पेस्ट की तैयारी करूंगी, उसके बाद आगे के स्टेप शेयर करती हूँ मैं आपसे कि आगे क्या क्या करना है। यहाँ पे मेरी ब्रोकली जो है वो फ्राई होकर बिल्कुल सुंदर सुंदर से कलर में आ चुकी है, अभी दिखाती हूँ मैं आप सभी को। और अब नंबर है मेरे आलू, ये देखिए इस तरीके से फ्राई हो गई है बहुत अच्छे से। और अब डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसमें आलू डालने से पहले इसमें हींग और तेज पत्ता डालूंगी। और यहाँ मेरा पेस्ट बिल्कुल रेडी है, जो मैंने आप सभी को दिखाया था, और मैं इसमें जिंजर ऐड करना भूल गई थी, तो ऑफ कैमरा मैंने इसमें जिंजर भी ऐड कर दिया है। और यहाँ ये जो मसाला आप देख रहे हैं, मैंने आप सभी के लिए इस तरीके से रेडी किया है दिखाने के लिए, जब आलू मेरा फ्राई हो जाएगा तो ये सारे मसाले जो है मुझे इस पेस्ट के साथ ही ऐड करने हैं। तो फटाफट इसमें हींग और तेज पत्ते का फोरन देते हैं। जीरा हम इसलिए नहीं देंगे कि जीरा जो है हम ऑलरेडी पेस्ट में डाल चुके हैं। यहाँ पे ये हींग, थोड़ा सा हींग, बहुत अच्छा स्ट्रांग हींग है तो मैंने बहुत थोड़ा सा दिया। और ये मेरे तेल का काम हो गया है खत्म। और मैं आप सभी से जब तक वो तेल गर्म हो रहा है एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं मिश्रा, अंजू मिश्रा जी,
तो अंजू मिश्रा जी से आज मेरी रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट क्या है, मेरा मैसेज है जो मैं उन्हें ऑन कैमरा देना चाहती हूँ। उन्होंने मैसेज किया, आज फर्स्ट कमेंट आया हमारे आज के ब्लॉग पे जो आप सभी ने देखा होगा, और वो फर्स्ट कमेंट ये थी कि उन्होंने लिखा था कि बकवास ब्लॉग। तो मुझे बहुत हंसी आई पहले तो अंजू मिश्रा जी, और मैंने जो है सोचा कि मैं आपसे वहां पे बात करूं, फिर मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अंजू मिश्रा जी से मैं स्पेशली सॉरी बोलूंगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि हम जो है आपको एंटरटेन नहीं कर पा रहे, छोटी इधर आओ। तो है कि हम प्यार से रहते हैं, हंसते हैं। आज के हमारे ब्लॉग में शुभी की इतनी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज हैं, मैं मम्मी के माथे में मेहंदी लगा रही हूँ, इस तरीके का हमारा सास बहू का बॉन्डिंग है, हम दोनों आपस में मिलके काम कर रहे हैं, हम दोनों की बॉन्डिंग है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपको इसमें बकवास क्या लगा। तो या तो हम लड़े झगड़े रोए तब शायद आपको इंटरेस्ट लगे, नहीं तो बकवास लगा क्यों, रीजन तो बता। अब रीजन तो वही बताएंगे उन्होंने सीधे, मैंने एक्साइटमेंट से जो है अपना चैनल खोला, वीडियो खोली, मैंने कहा देखूं फर्स्ट कमेंट आई है तो कुछ अच्छी आई होगी, और आपने देखा ही नहीं, तो वो था बकवास ब्लॉग। तो मुझे बहुत अजीब लगा। तो लड़ाई झगड़े वाले ब्लॉग बहुत आते हैं, तो प्लीज अंजू मिश्रा जी आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि हमारे घर में वो सब आपको शायद ही देखने को मिलेगा। हम लड़ाई झगड़ा रोना धोना से दूर रहते हैं, बिल्कुल हम वो सब नहीं है आप सबके साथ। अगर कुछ होता भी है तो हम तो तीन औरतें एक घर में रहती हैं, चलता रहता है ना, ये चार बर्तन है ये आपस में बज ही जाएंगे, लेकिन वो शो के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद हम उन बर्तनों को सहेज भी देते हैं, क्यों, बिल्कुल और है ना। तो आपको बकवास लगा तो उसके लिए हम आप, इसीलिए मैंने सोचा आपसे ऑन कैमरा मैं माफी मांगूंगी, तो सॉरी हम आपको एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हम तो ऐसी ही वीडियो बनाते रहे, क्या पता हमें ऐसा देखते देखते आपको इसी में मजा आने लगे। इंटरेस्टिंग चाहिए क्या, कुछ तो कुछ पता नहीं, देखते तो हम तो जो अच्छा करते हैं सब शेयर कर देते हैं, शुभी का बढ़ना, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का स्कूल, हमारा हंसना, हमारा मेरा इसको छेड़ना, इसको बच्ची कहना, इसको डांटना, इसको मारना, सब कुछ शेयर करते हैं, मम्मी के साथ मम्मी का योगा, क्या क्या नहीं हम ऐड करते हैं आप सभी के साथ। लेकिन अगर आपको बकवास लगा तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो अंजू मिश्रा जी आपके लिए स्पेशली मैंने इतना बड़ा मैसेज बोला है, तो अच्छा लगा हो तो फिर से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा जवाब आपको कैसा लगा। और यहाँ पहुंचते हैं हमारी कढ़ाई के पास, क्योंकि आलू रो रहा है हमारा, ये रो रहा है। थोड़ा सा पीछे लगा लगा, इसमें थोड़ा सा शायद पानी रह गया था, कोई बात नहीं, घर आलू बहुत जल्दी जो है वो फ्राई हो जाएंगे, छिलके वाले आलू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो उसके बाद मेरी सब्जी खटाखट बन जाएगी। और एक सेकंड आप ऐसे ही रहिएगा, यहाँ मैं दिखाना चाहती हूँ, आलू काट के रखे हैं छोटी ने अपने लिए, क्योंकि मैंने बताया है आज के ब्लॉग में छोटी का आज फास्ट है, मौनी अमावस्या का, सोमवती अमावस्या का है ना, मौनी अमावस्या भी बोलते हैं, तो छोटी का व्रत है, तो वो चावल बनाएंगी अभी, और ये बिना नमक की आलू की भुजिया, तो इसकी भी तैयारी हो चुकी है। तो इधर मैं रात का डिनर बना रही हूँ, वो अपने लिए तैयारी कर रही है, तो हम दोनों मिलके फटाफट जो है 9 बजे से पहले का हमारा टारगेट है कि हमारा किचन डन हो। मैं दिखाती हूँ आपको, आलू दिखाती हूँ, मैंने कहा अब गर्मी आ गई है, ठंड में तो ये प्लेट यूं ही उठा लेती थी मैं, ये देखिए कलर आने लगा है थोड़ा थोड़ा रेड रेड ना? इसके बाद मुझे इसी आलू में ये सारे मसाले ऐड करने हैं, बॉयल वाटर ऐड करके रखूंगी मैं, वो भी डालूंगी, और सब कुछ मिक्स करके कोशिश कर रही हूँ कि बहुत लाजवाब सब्जी बन के निकले। तो यहाँ भुजिया जो है कढ़ाई में आ चुकी है, जो कि छोटी ने छौंकी है, और यहाँ मेरे आलू भी फ्राई हो चुके हैं, और मैं अब इसमें सब कुछ ऐड कर दूंगी। छोटी और कैमरा पकड़ा हुआ है मेरी छोटी, आपको भी दिखाना है आपको, नहीं कोई जरूरी नहीं, मुझे सब बहुत देखते हैं, बहुत सुनते हैं, आज सब्जी देखेंगे, आज सब्जी देखेंगे, जो कि सब कहते हैं कि मैं बना तो लेती हूँ और फिर बना के बता देती हूँ और शेयर नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज चलो थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, आप सभी के साथ शेयर करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, ये सच तो आप सभी जानते ही होंगे। क्यों कृपया कढ़ाई को इग्नोर करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉपिक पे हम बहुत मैसेजेस फॉरवर्ड कर चुके हैं और सुन चुके हैं, हम नई कढ़ाई लाने के फिराक में, हम इसे चमकाने की मेहनत बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, हम न्यू कढ़ाई लाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया ना छोटी, हाँ सही लग रहा है। अब ये सारे मसाले मैंने नाप तोल के रखे हुए हैं, आप सभी भी अपनी अपनी
सब्जी की जो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप सभी डालिएगा। तो मैं ये कभी भी नहीं बताती मैं अपने किसी भी ब्लॉग में कि कितने चम्मच धनिया है और कितने चम्मच मिर्च है। इसके घर में जैसा मसाला पसंद करते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा मसाला स्पाइसी खाना ही पसंद करते हैं, चाहे वो मम्मी पापा हो चाहे वो मेरे बच्चे हो। ठीक है, मैं तो रह गई, आप बच्चों में ही आती हो मेरे, है ना। इसको थोड़ा सा जो है भुनने देते हैं ताकि इसका तेल थोड़ा अलग आ जाए। हाथ धो के छोटी की भुजिया को भी मुझे चलाना है। इतनी जल्दी इसमें तेल ऊपर आ गया है ना, डालते ही मसाला जो है वो अब कढ़ाई से अलग हो गया, तो ये अच्छी बात है। फिर भी 2 मिनट का रुक जाते हैं पॉज, और यहाँ जब तक मेरा पानी बॉयल हो रहा है सब्जी के लिए वो इसमें ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे और सब्जी के फाइनली पकने का इंतजार करेंगे और फुल बनने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ रेडी है ये प्लेट, और ये रही मेरी ब्रोकली और आलू की सब्जी बिना लहसुन प्याज के। तो पूरी रेसिपी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है, तो कैसी लगी रेसिपी, ये वीडियो, ये ब्लॉग पूरा का पूरा कुकिंग पे कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये है मम्मी का खाना, इससे पहले कि रोटी ठंडी हो जाए मैं उन्हें खाना देने जा रही हूँ और ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइज, राधे राधे।